चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नाम क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की बात करते हैं हम लोग, तो किसी भी लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट क्या है आखिरकार, यानी कि बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किस चीज़ का बना हुआ है तो सेल का बना हुआ। इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, सेल का खोज किसने किया, सेल कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सभी के बारे में हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। चलिए तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में बात करते हैं, सेल क्या होता है। 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ये इंग्लिश थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया, कॉर्क समझो, कॉर्क क्या होता है, देखो जो पेड़ पौधा होता है ना, जो ट्री होते हैं, ट्री का जो कहते हैं कि ट्रंक होता है, उनका जो बाहरी आउटर लेयर होता है उसको कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क जो होता है इनकी कोई ब्रांच की बाहरी जो लेयर होता है ना, सबसे बाहरी लेयर आउटर लेयर उसको कहते हैं कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क जो होता है डेड सेल होता है, कॉर्क कैसा होता है, डेड सेल होता है, ध्यान रखिएगा, ये लिविंग सेल नहीं होता, डेड सेल होते हैं। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, उन्होंने उस बार्क का कॉर्क लिया, कॉर्क का स्लाइस लिया, और उन्होंने अपने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था खुद से, उनसे देखा तो उनको क्या दिखाई दिया कि छोटा छोटा बहुत सारा हनीकम के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनीकम तो जानते हैं ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिसमें शहद का स्टोर करता है, उन्हीं को हनीकम कहते हैं। हनीकम के जैसा उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, फिर उन्हें को क्या दिखाई दिया, जैसे कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें बहुत छोटा छोटा रूम होता है ना, तो उस तरीके से उनको दिखाई दिया कि एक बड़ा सा सेल है, उनके अंदर बहुत ही छोटा छोटा कंपार्टमेंट है। क्लियर, चलो तो उनका नाम उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने उसी चीज़ का नाम क्या दे दिया, सेल दिया। ठीक है, सेल जो है, सेल वर्ड जो है आपको ये लैटिन वर्ड से लिया गया, ठीक है, लैटिन में इसे सेलुला कहते हैं, ठीक है, सेलुला लैटिन वर्ड से निकाला गया, सेलुला जिसका मतलब होता है एक लिटिल रूम। सेलुला का मतलब क्या होता है, एक लिटिल रूम होता है, ठीक, हाँ, सेलुला एक लैटिन वर्ड है, इसीलिए सेल को एक लिटिल रूम कहा गया कि देखो सेल जो होता है एक छोटा सा, जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग बहुत छोटा छोटा रूम होता है, तो वही छोटा रूम को जो होते हैं क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्लियर, द सेल इज इक्वल टू ए लिटिल रूम। उनका और कहना था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें जान होती है, वो सारे के सारे सेल के बने होते हैं, क्या होते हैं, सेल के बने होते हैं। और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो वो कौन करता है, सेल के द्वारा होता है, सेल परफॉर्म करता है। क्लियर, ये किसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने कहा था, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। क्लियर, चलो चलो देखो, जैसे ही देखो सेल क्या होता है, एक दीवार है ना, एक दीवार खड़ा किए हो, एक दीवार जो खड़ा है तुम्हारा, ठीक, एक दीवार है ना, एक दीवार जो है, एक दीवार का जो छोटा सा ईंट होता है ना, छोटा सा ईंट, एक दीवार बन, दीवार किससे बनता बताओ, वॉल जो बनता है किससे बनता है, ईंट से बनता है ना, ईंट को जब एक 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 के ऊपर एक रखते हैं, पैटर्न में सजाते हैं, अरेंज करते हैं, तो क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है। तो उसी दीवार का जो छोटा पार्टिकल होता है, दीवार का जो छोटा पार्ट क्या, ईंट है, तो ईंट को सेल कहा जाता है। ठीक है, ईंट क्या हो जाएगा, इसका सेल हो जाएगा। क्लियर, हाँ, तो दीवार किससे बना, ईंट से बना, तो ईंट क्या हो गया, सेल हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ बना, जो चीज़ से बना उनका जो छोटा पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्लियर, चलिए, एंटोन वॉन लोयनहुइक ने, एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका जन्म 1632 में हुआ था और 1723 में डेड हो गया, एक डच थे, एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे ये। ठीक, इन्होंने क्या, 1678 में उन्होंने स्पर्म के बारे में, स्पर्म का खोज किया और पहचाना स्पर्म सेल के बारे में। ठीक है, 1678 में एंटोन वॉन लोयनहुइक ने स्पर्म सेल खोज किया, किसका, हुमेन का स्पर्म सेल जो होता है उनका खोज किया, फिर कुत्ता, डॉग जो होता है, रैबिट, फ्रॉग, फिश और इंसेक्ट, इन सारे के स्पर्म सेल का खोज एंटोन वॉन लोयनहुइक ने किया था। कब किया था, 1678 में किया था। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार सेल थ्योरी क्या है, सेल जो बना हुआ होता है किस चीज़ से बना होता है, इनके बारे में देखते हैं और किसने खोज किया। ओके, चलिए हम लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में देख लिया, एंटोन वॉन लोयनहुइक के बारे में देख लिया कि स्पर्म ऑफ डॉग सेल, हुमेन सेल, मैन सेल, इंसेक्ट का सेल,
स्पर्म सेल के बारे में खोज किया था, उनके बारे में हम देख चुके थे। अब हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या दिया था? रॉबर्ट ब्राउन जो थे एक स्कॉट देश के रहने वाले थे, बोटनिस्ट थे, ठीक है। इनके पैदाइश बॉर्न 1773 और 1858 में डेथ हो गया, ठीक है। चलिए 1831 में उन्होंने क्या हुआ, न्यूक्लियस का खोज किया। उन्होंने 1831 में उन्होंने बताया कि जो प्लांट का सेल होता है उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्लांट सेल में न्यूक्लियस का टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस टर्म दिया था, ठीक है। जेईपुर केंजेत हो एक सीजेक एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1839 में 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया? जेईपुर केंजेत ने 1839 में दिया। उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी जो सेल होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ओके, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए 1866 में हाइकल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टोरिंग करने के लिए, और जो भी हेरिडिटी करेक्टर, हेरिडिटी करेक्टर का मतलब होता है जो माता पिता का करेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होता है उसे हेरिडिटी करेक्टर कहते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। किन्होंने बताया? हाइकल ने बताया, ओके, 1866 में। चलिए सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी को जो प्रपोज किया था 1839 में, सेल थ्योरी का प्रपोज किसने किया था? आपको थियोडोर एस्कोवन ने किया था आपको 1839 में, याद रखिएगा। चलिए सेल थ्योरी का क्या कहना था? सेल थ्योरी का यही कहना था, सेल थ्योरी ये था कि देखो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक सेल के बने होते हैं। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या होता है? सेल होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ओके। चलिए, और उनका कहना था सेल थ्योरी का ये है कि जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि कोई भी डाइजेशन, इंजेशन, जो भी हो, डाइजेशन, पचना, रेस्पिरेशन, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो सेल के अंदर होता है। यानी कि जो भी चीज़ भोजन वोजन खाते हैं ना, तो कहाँ पचता है? सेल के अंदर पचता है, इनका ये कहना था, ठीक है, सेल थ्योरी। और कहा था कि देखो, जो भी सेल होता है ना, आपको कोई भी सेल होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्टार्ट होता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। सिंगल सेल से डिवीजन होकर बहुत सारे सेल बनते हैं, क्लियर। और लेकिन ध्यान रखोगे, वायरस जो होता है ना, वायरस एक्सेप्शन में है। वायरस याद रखोगे, वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, ये एक्सेप्शन में। वायरस सेल थ्योरी को एक्सेप्ट करता, फॉलो नहीं करता। चलिए, जितने भी सेल्स होते हैं, इनका कहना था सेल थ्योरी का कि जितने भी सेल होते हैं अपने से पैदा नहीं होते हैं, अपने से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता है। ये जो पहले के सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले के सेल हैं उन्हीं से डिवीजन होकर नए नए सेल का बनता है, नए नए सेल का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो ये था सेल थ्योरी, समझ में आ गया। चलिए, सेल क्या होता है समझ में आ गया। जैसे कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग में छोटा सा जो रूम होता है उसी को सेल कहते हैं। जैसे एक दीवार है, दीवार का जो दीवार किससे बना? ईंट से बना, तो ईंट उसका क्या हो गया? सेल हो गया। यानी किसी भी चीज़ का जो छोटा पार्टिकल होता है उसी को सेल कहते हैं। जैसे एक लड्डू खाते हैं ना, लड्डू, लड्डू किससे बनता है? बूंदिया से बनता है, तो बूंदिया क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो किसी भी चीज़ का, तो यानी कि सेल थ्योरी का कहना था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो सेल होता है। और हम लोग सभी साइंटिस्ट के बारे में देख लिए कि किन्होंने क्या टर्म दिया, कब दिया, इनके बारे में, ओके। चलिए चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्याओं के आधार पे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो चलो बात कर लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखो, यूनि का मतलब ही होता है एक, यूनि का मतलब एक होता है, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल होता है। और ऑर्गेनिज्म तो यानी कि एक सेल से जो बना होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्लियर। चलो देखो, अब सिंगल सेल है, घर में अगर एक गार्जियन है तो एक ही जो गार्जियन होता है वही ना पूरे घर का मेंटेनेंस करते हैं। किसी भी ऑफिस में एक मैनेजर होते हैं तो पूरे का मेंटेनेंस वही करते हैं। तो उसी तरीका से इसमें जब सिंगल सेल है तो उनको जितना भी काम करना पड़ेगा इस सिंगल सेल ही करते हैं। अब काम क्या होता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इंजेशन, क्या एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, या सारे के सारे जो परफॉर्म होते हैं फंक्शन इसी सिंगल सेल के द्वारा होते हैं। किस ऑर्गेनिज्म में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्लियर। अब देखो,
सिंगल सेल से बना होता है, इनका लाइफ स्पेन जो होता है कम होता है, क्लियर। जैसे देखो एग्जांपल, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो मल्टी मीडिया सुन दोगे यानी बहुत प्रकार के मीडिया है ना, तो उस मल्टी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो मल्टी, मल्टी का मतलब बहुत ही ज़्यादा, सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, यानी सिंपल सा एक सेल से ज़्यादा, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे देखो अब बहुत प्रकार का सेल है तो अलग अलग प्रकार का सेल है तो अलग अलग काम भी करेगा सब, तो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग प्रकार के सेल अलग अलग काम करते हैं और इनका जो लाइफ स्पेन होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन है, ट्री है, एनिमल है। अब जैसे देख लो कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जैसे देखो बहुत प्रकार के सेल है, जैसे देखो रेस्पिरेशन हम लोग किस लंग से करते हैं, एक्सक्रेशन किस यूरिन का एक्सक्रेशन किस किडनी से होता है, तो यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। ब्लड का फ्लो पंप किससे होता है हमारे बॉडी में, हार्ट से होता है। थिंकिंग पावर किससे, मेमोरी या दास पावर किससे, ब्रेन से। तो यानी कि अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं तो अलग अलग उनका काम भी होता है, क्लियर। चलिए तो जैसे ह्यूमन है, ट्री है, एनिमल, ये सारे सारे क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे एग्जांपल देख लो बताते हैं, ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन का जो बॉडी होता है लगभग 200-200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, 200 से ज़्यादा प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है हमारा बॉडी ऑर्गन, ओके, क्लियर, समझ आ गया। तो हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ सेल देख लिए, हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में आगे बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सेल देखेंगे, सेल का और कैटेगराइज देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, वेल डन।